अजीत वैब टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। पानी के बिना जिंदगी का क्यास नहीं किया जा सकता। पानी एक यहोजी अणमुली दात है जिहड़ी धरती के उत्ते वसदे हर प्राणी के लिए बेहद उपयोगी है, बेहद लोड़वंद है। पर कई बार यही पानी जिंदगी का खौ भी बन जाता है। अखबारों के अक्सर असी खबर पढ़ते हाँ कि जिंदगी तो परेशान इंसान ने फलाने व्यक्ति ने पानी दे विच छाल मार दित्ती, नहर दे विच छाल मारी है, जां फिर जदों कितें हड़ आउंदे ने तां फिर पानी दे नाल कई जिंदगियां वह जांदियां ने। उस वक्त सब तो पहला जिहन दे विच सरकारां दे वी ते पुलिस प्रशासन दे वी इक्को ही नां आउंदा है कि गोताखोर कित्थों मिलणगे। ते जिहड़े लोक जिंदगी दी डुबकी लगाउंदे ने पानी दे विच उहनां नूं गोताखोर कहा जांदा है। ते अजीत वैब टीवी दी टीम दे वल्लों आशू मलिक ते शाहिद खान ये दो नौजवान ने जिहड़े बड़िया हुण तक जिंदगियां बचा चुके ने, बड़े उलझे हुए मसले अपनी गोताखोरी दी कला दे नाल सुलझा चुके ने। इन्हां दी बहादुरी दे उत्ते, इन्हां दे जज्बे दे उत्ते विशेष रिपोर्ट तैयार की गई है जिहड़ी तुहाडी नज़र है। शिवसेना बाला साहिब ठाकरे गोताखोर टीम पिछले 22 सालां विच पाणी विच डुब के मौत दे मूंह विच जा रहीआं 20,000 जिंदगियां नूं बचा चुके ने। खुदकुशी ते हादसिआं कारण पाणी विच रुड़ गईआं 46,000 तों ज़्यादा लाशां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ते राजस्थान तक फैलीआं होईआं नहरां दे विच्चों कढ चुके ने। इस दे नाल ही 500 तों ज़्यादा ट्रकां, कारां, बसां, दो पहिया वाहनां नूं वी नहरां दे विच्चों बाहर कढ़िआ जा चुकिआ है। 12 साल की उम्र में जदों आशू मलिक नूं इह पता भी नहीं सी कि गोताखोरी की हुंदी है, उसने नहर विच डुबदी एक औरत की जान बचाई सी। उसनू इस बहादुरी लई इन्नी प्रशंसा मिली कि उसने गोताखोरी नूं ही जिंदगी बना लिया ते उसकी अद्धी उम्र पाणी नाल खेडदिआं लंघ गई है। उसकी 146 गोताखोरां दी टीम चार ही सूबिआं दीआं नहरां दे पुलां उत्ते किसी अणहोणी घटना नूं टालण दे लई तैयार बर तैयार रहिंदी है। अपा पिछले 22 सालों से ये काम कर रहे हैं और 22 सालों के अंदर अपा हूँ तक 46,000 डेड बॉडियां लगभग अपा निकाल चुके हैं, जिनके अंदर से काफ़ी तकरीबन बॉडियां आइडेंटिफिकेशन हो गई हैं। जो डेड बॉडियां आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई उनको अपा चेक चुक करते हैं, पता करते हैं, उनका फ़ोटो फोटो करते हैं, पुलिस को उनके बारे में बताते हैं। पुलिस को बताने के बाद में फिर उसकी फ़ोटो वगैरह करके अपने एक रिकॉर्ड के अंदर भी रखते हैं। अपा इन्ने एक्सपर्ट गोताखोर हाँ, अपा यह दस सकते हैं हूँ यह बंदा इतों डिग गया है, किन्ने दिन बाद उत्ते आऊगा, किन्नी दूर तक जाऊगा, कितने जाके वो मिल जूगा। अपा सीधे डायरैक्ट उत्थे जाके बहने हैं, बॉडी सीधी डायरैक्ट उत्ते उठती है, अपा ठा के जद ही फड़ लें बॉडी में, फड़ के परिवार वाले जोड़े होंगे ने उन्होंने उन्होंने सपुरद कर देने। जे कोई नहीं आता तो साड़ी मजबूरी है, फिर अपन छड़नी पैंती है बॉडी, क्योंकि फिर पुलिस वाले कहें भी 174 की कार्रवाई करनी पेगी, साढ़ा 7-8,000 रुपये का खर्चा आएगा, जान दे यार क्यों साडे मत्थे मल रहा। फिर सारे सिस्टम वेखना पैंदा जी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, चार स्टेट अपने कोल हैगियां ना गोताखोर जिहड़े आपां काम कर रहे हैं। हुण जिहड़े आपां काम कर रहे हैं शिवसेना बाला साहिब ठाकरे गोताखोर टीम के नाम से ही काम करते हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, बॉडियां कढ रहे हैं, पर बॉडी कढ़न का सानू किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा सरकार वल्लों, जिहड़ा सानू लाभ मिलना चाहिए। जिवें साढ़े बुजुर्ग ने, बापू ने साड़े, उन्हों की कोई पिलसन नहीं हैगी, कोई साडा पीला कोई राशन कार्ड नहीं बनया होगा, कोई सरकार तो किसी तरह का बेनीफिट नहीं है। गोताखोर जोड़े है बेचारे इन्नी माड़ी हालत है हूँ, कोई नारियल कट रहा है, कोई सिक्का काट के अपना रुजगार चला रहा है, कोई चिंबक मार रहा है, कोई पैसे कट रहा है, यह सिस्टम अज गोताखोर का हाल है। तुम ये जान के हैरान होवोगे कि इन्हों की तैनाती कोई सरकारी महकमा या अफसर नहीं करता, बल्कि ये पेशावर गोताखोर अपनी खुशी ते मर्जी नाल जान तली उत्ते टिका के नहरां दीआं गहराईआं विच गोता लाउंदे ने ते जित्थों तक संभव हो सके किसी डुब रही जिंदगी नूं मौत दीआं लहरां विचों कढ लिआउंदे ने। लापता लाशां नूं लभण विच इन्हां दी इन्नी मुहारत है कि बहुत सारे मामलों में सरकारां ते पुलिस भी इन्हां कोलों मदद लैण आउंदियां ने। पुलिस दे एक इशारे उत्ते इह भज के गोता लाउण लई तां तैयार हो जांदे ने, पर कम हो जाण तों बाद इन्हां दे गिल्ले हत्थां विच पाणी दीआं कुझ बूंदां तों सिवाए नहीं आउंदा। इन्हां दीआं जेबां विच्चों नहरां दे कंढ्यां दी मिट्टी तों बिना होर कुछ भी नहीं निकलदा, इस लई इह धूड़ फक के ते नहर दा पाणी पी के जिंदगी बसर करन लई मजबूर ने। ना कदे किसे सरकार ने इन्हां दी बांह फड़ी है ते ना ही पुलिस महकमे ने।
इन्होंने लाशां लभ के कई अणसुलझे मामले भी हल कराए। इन्होंने अपनी जेब विच्चों लखां रुपए भी खर्च किए। कई वड्डे हादसों में सरकारी अमले की मदद की ते कई परिवारों के विछड़े जीआं दीआं लाशां उन्हां नूं लभ के दित्तियां ने। इस टीम के चार गोताखोर साथियां राजेश कुमार, नीरज कुमार, मुकेश कुमार ते बॉबी ने नहर विच डुबकी तां किसी की जान बचाउण लई लाई, पर यह डुबकी उन्हां दे लई आखरी साबित होई। दूजियां नूं पाणी विच्चों बचा के नवीं जिंदगी देण वालियां नूं आखर पाणी नहीं निगल लिया। आशू मलिक अपने इन्हां साथियों नूं शहीद मानदा है ते सरकार तों इन्हां दे परिवारां दी आर्थिक मदद की उम्मीद करदा है जो हाले तक पूरी नहीं हुई। इन्हां नूं सरकार वालों कई माण पत्र तां मिले ने पर कदे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। जिन्हां सरदे पुजदे परिवारां दे मैंबरां नूं इह गोताखोर कढ के लियाउंदे ने उह तां इन्हां दी चौखी आर्थिक मदद करदे ने, पर इन्हां दी मंग है कि सरकार गोताखोरां दी सरकारी भर्ती करके इन्हां दी ड्यूटी नहरी पुलां उत्ते लावे ते इन्हां नूं पक्की तनखाह देवे। आशू मलिक दा कहना है कि जे सरकार ये तजवीज़ मन लवे ते सारे प्रमुख नहरी पुलां उत्ते CCTV कैमरे लगा दिते जाण तां उन्हां दी टीम पंजाब विच नहरां अंदर डुब के होण वालियां मौतां दे हादसे काफ़ी हद तक रोक सकदी है। साहिद खान दा ये भी कहना है कि सरकारां जेकर साडी मदद करन ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਤਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਣਗਿਣਤ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਮ, 40,000 ਸੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੋੜੀਆਂ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਬਾਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰਨ ਸੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਨਹਿਰੇ ਬਣ ਜਾਤੀ ਹੈ 500 ਸੇ ਉੱਪਰ, अधिक बनती हैं 500 से। और ये जो अपने राजपुरी की तरफ जाती है, इसकी 200-250 के करीब बन जाती हैं। और इन दोनों नहरों के अंदर रोज़ की कम से कम 5 से लेके 8, 7, 10, कई बार 15 भी हो जाती हैं, इतनी एवरेज है इसके लिए। तो गोताखोर अपने डेड बॉडी पकड़ते हैं, उसी से जो उसके पेरेंट्स कभी दे गए तो दे गए, नहीं तो तकरीबन तो कुछ मिलता नहीं है। और जो सिक्का निकाल के थोड़ा सा अपना पेट पाल लेते हैं। वैसे सरकार को, अपने पंजाब सरकार को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि पटियाले के जो गोताखोर हैं 10-12 के करीब हैं, सब अपने सिक्के से पेट पालते हैं। इनको जो ना थावा थावा से पक्का करा जाए, नहरों पर बिठा दिया जाए, इनको हादसे कम हो जाएंगे और जो मतलब सरकारी काम है वो सारे फ्री हो जाएंगे। ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ TV ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ